तो आज हम बनाएंगे ताजे हरे मटर की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। इसमें बड़ी और कोफ्ते दोनों के स्वाद आपको आएंगे। हाय, मैं हूँ सीमा, स्वागत करती हूँ आपका अपने कुकिंग चैनल में। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हरे मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी धुली हुई मटर ली हूँ। इसे मिक्सर में चार हरी मिर्ची, एक छोटी लहसुन डालकर इससे पेस्ट तैयार कर लें। हमें इससे ज़्यादा पतला नहीं, पेस्ट नहीं बनाना है, इससे दरदरा ही पीस लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बाद बाकी बचे मटर में भी हम कुछ लच्छी धनिया पत्ती डालकर इससे भी दरदरा सा हम पीस लेंगे। इसे पेस्ट नहीं बनाएंगे। दरदरा सा पीसने पे बड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। एक ही तरह के मटर की सब्जी खा के अगर परेशान हो गए तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इस सब्जी को जिस चीज़ के साथ खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठा, चावल, हर किसी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ में हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि फिर मसाला में हमको नमक ऐड करना है, तो इसलिए इसमें नमक थोड़ा सा हम कम डालेंगे। अब यहाँ मोटे टुकड़े में एक प्याज को चार टुकड़े में कट करके हमने इसे पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पे कढ़ाई गैस पर चढ़ा रखे हैं, तेल यहाँ पे रिफाइंड गर्म हो चुका है। मैं रिफाइंड में बना रही हूँ, आप सरसों तेल में भी बना सकते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा, 2 लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी, 2 छोटी इलायची, प्याज का जो पेस्ट तैयार किए हैं उससे डाल देंगे और इसे हल्के से भुनेंगे। बाद बाकी टमाटर को भी हम सेम तरीके से कट करके इससे भी हम इसमें पेस्ट बना के ऐड कर देंगे। टमाटर को बड़े बड़े टुकड़े में कट कर लेंगे। इसमें थोड़े से काजू, 10-15 दाने काजू ऐड किए, ये ऑप्शनल है, आप डालें या स्किप कर सकते हैं, बट इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। खाने पे मुँह में बहुत ही क्रंची क्रंची अच्छा लगता है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे और सब मसाले को अच्छे से हम इसे भूनेंगे। चलाते हुए हाई टू मीडियम फ्लेम पे इस चलाएंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। मिर्ची भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं और हाई टू मीडियम पे इसे हम भूने, इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे जब तक इस साइड से ऑयल नहीं छोड़ने लगे और जब तक ये अच्छे से लाल मसाला नहीं हो जाए। अब यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट। अभी हरे मटर का सीजन है तो मार्केट में खूब सारे हरे मटर मिल रहे हैं। इस रेसिपी को बनाएं और इसका लुत्फ़ उठाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे एक जाली लेंगे, इसे तेल से ग्रीस करेंगे ऊपर से और इससे इसी मसाले के ऊपर से हम रख देंगे। हरे मटर का जो मैं पेस्ट बनाए, इसमें 4 चम्मच बाइंडिंग के लिए हमने बेसन डाले, जो कि कैमरा ऑफ होने के कारण इसमें नहीं आ पाया, तो इसके लिए सॉरी। अब इस पेस्ट को सबके छोटी छोटी अपने साइज से आप बड़ियाँ बना लें, जितने साइज के बड़ी होते हैं, और सबके इस पे डाल दें और 15 मिनट के लिए इस पे मीडियम टू लो पे सेट कर देंगे गैस को और इसे सबको स्टीम होने देंगे और साथ में हमारे मसाले भी तैयार हो जाएंगे और बड़ी भी हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे लीजिए, यहाँ मसाला भी मेरा रेडी हो चुका है, ऑयल छोड़ने लगा है, एकदम कम्प्लीटली मसाला तैयार हो चुका है और साथ ही हमारी बड़ी भी रेडी हो गई। इसके आगे मटर पनीर भी फैला, जितने टेस्टी है सब्जी लगते हैं, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अब कसूरी मेथी को हमने 2 चम्मच कसूरी मेथी हाथ पर मसल करके इसमें ऐड किया, इससे इसका टेस्ट फ्लेवर एक अलग ही आता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें थोड़ा सा हम शुरू में ज़्यादा मात्रा में ही ऐड करेंगे, 2 गिलास के करीब हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे, क्योंकि 1 कटोरी हमने यहाँ पे मटर के दाने लिए हैं और बाइंडिंग के लिए इसमें जो बेसन डाले हैं, पानी बेसन पानी को ऑब्जर्व करता है, तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा मात्रा में डालें। देखिए कितना इजली बढ़िया निकल रही है, इससे हल्का से ग्रीस करने पर बड़ी इजली निकल जाती है। एक बात और, अभी मुझे फीवर है, फीवर में ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आवाज़ मेरी कुछ अजीब है, अलग है, इसलिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, सॉरी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। लीजिए, बन के तैयार है यहाँ पे हरे मटर के डिफरेंट तरह की सब्जी। इस सब्जी को ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप जिसके साथ इसे खाएंगे
गजब का टेस्टी लगते हैं। इससे आप बना के इस बड़ी को स्टोर भी कर सकते हैं और फ्राई करके भी इससे बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मटर के सीजन आते ही हम तरह तरह की रेसिपीज घर में बनाते हैं, तो आज हम आप लोग के साथ मटर की बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिलीशियस और ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। हाय, मैं मुसीमा, स्वागत करती हूँ आपका अपने कुकिंग चैनल में। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंट तरीके की सब्जी बनाने के लिए हैं 250 ग्राम के मटर के दाने, 2 छीले हुए प्याज, 2 बड़े लाल टमाटर, 2 तेजपत्ता, 250 ग्राम के करीब हमने यहाँ पनीर लिया है। इससे हम मिक्सर जार में सबको ग्राइंड कर लेंगे, एक पेस्ट सा, दरदरा सा पेस्ट हम इसे तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनते हैं। इसे रोटी, पूरी, पराठा जिसके साथ आप खाना चाहें, सब में बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, और बनाना भी बहुत आसान है। इस तरह का पेस्ट हमें तैयार करना है, पतली पेस्ट हमें तैयार नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा, दरदरा और सख्त पेस्ट तैयार करना है, जिससे हमें रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान हो। एक बड़े से बाउल में हम सारे को इकट्ठे, सारे पेस्ट को, मिश्रण को हम निकाल लेंगे। अब इसी जार में हम मसाले के लिए पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसमें प्याज के बारीक काट करके प्याज और टमाटर के एक साथ हम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी मटर का सीजन है, आप इसे ज़रूर बनाएं। एक बार बनाएंगे, आप यकीन मानिए बार बार बनाएंगे, सभी को इतना पसंद आएगा, क्योंकि मैं वीक में 2-3 बार ज़रूर बनाती हूँ। जब भी मटर का सीजन आता है, मुझे बहुत ही पसंद है, मेरे घर में सब इसे बहुत पसंद से खाते हैं। यहाँ पर इसका पेस्ट भी तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें हम यहाँ पर इस मिश्रण को तैयार करते हैं मटर वाले को। इसमें बेसन डालेंगे, 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन को हमने पहले से छान के एक डब्बे में स्टोर करके रखा है। यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून यहाँ पे हम मिर्ची पाउडर डालें, स्वाद के अनुसार नमक डालें, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे साड़ी को हम ग्रेट कर लेंगे, पनीर को, 250 ग्राम जो पनीर हमने लिए थे, साड़ी को हमें ग्रेट कर लेना है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती, कम समय में, कम सामान से झटपट में बनने वाली सब्जी, एकदम यूनिक रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई। आप इस सब्जी को जिससे भी खिलाएंगे वो तारीफ़ करते नहीं थकेंगे और बिल्कुल पूछेंगे 100% कि आप कैसे बनाएं इसे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इससे पहले ना आप इस तरह के सब्जी कभी नहीं बनाए होंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ कढ़ाई को हमने गैस पर चढ़ा रखे हैं, यहाँ पे रिफाइंड ऑयल हमने इसमें पहले से रखे हैं, इसमें हमने पूड़ी तले थे इसलिए पहले से ही इसमें रिफाइंड ऑयल है। अब इन साड़ी को एक छोटे छोटे बॉल के तरह हम हाथ में ले लेंगे और उसे हल्का सा दबा के लड्डू की तरह सबको बॉल बना लेंगे, या दूसरे तरीके से आप छोटी छोटी लोई ले लें मिश्रण के और पनीर के चारों तरफ से ग्रेट किए हुए पनीर में उसे डालें और दबा दबा के साड़ी को बॉल बना लें, एक साथ बॉल बना के तैयार कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से छोटे छोटे ले लें और इस तरह से 2 डिफरेंट तरीके हमने इसमें बताए, आप जो आपको ईजी लगे इस तरीके से आप बना सकते हैं। रिफाइंड ऑयल को मीडियम पर रखना है, हाई टू मीडियम पर फ्लेम को रखना है और तब इससे पकाना है, क्योंकि ये जले नहीं, पनीर ऊपर से लगे हुए हैं ग्रेट किए हुए, तो ये जल्दी जलने का चांस है, इसलिए आप मीडियम फ्लेम पे ही इससे पकाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल जलेंगे नहीं और अच्छे से ब्राउन गोल्डन ये तल के तैयार हो जाएंगे। जब ये हल्के से गोल्डन होने लगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप धीरे धीरे करके एक एक को सबको पलट लें, देखिए कितने अच्छे गोल्डन सुनहरे, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब इसे हम सबको निकाल लेंगे। अब इसी में हम मसाला फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने जीरा डाले, 2 तेजपत्ता, 2 सूखी मिर्च। गैस फ्लेम को हाई कर लेंगे। देखिए सारे बॉल कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे हमने जो पेस्ट तैयार किए थे प्याज और टमाटर का, अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्चा पाउडर, आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा कम कर सकते हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इन सबको अच्छे से हम मिलाएंगे। यहाँ स्वाद के अनुसार नमक डालें, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा कम कर सकते हैं नमक को। अब इन सबको अच्छे से मिलाएं, इसे अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे और गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम पकने देंगे, फिर इसे चलाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कितने अच्छा मसाला का कलर, टेक्सचर आ चुका है। अब इस तरह के जब ऑयल चारों तरफ से छोड़ने लगे, तब इसमें हम कसूरी मेथी मिलाएंगे। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है, खास करके चावल या पराठा के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, बॉल को फ्राई करके आप फ्रिज में या टाइट डब्बे में इससे आप रख सकते हैं।
मॉर्निंग में सबके पास बहुत ज़्यादा काम होता है और टाइम हमारे पास कम होता है और झटपट में खाना तैयार करना होता है, ऐसे में हमें ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और बॉल के पहले से फ्राई करके आप एयर टाइट डब्बे में भर के इसे फ्रिज में रख दें और ग्रेवी तैयार करें और सारे बॉल को डालें, उसे चावल पूरी पराठा के साथ इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, एकदम यूनिक रेसिपी है, सभी को बेहद पसंद आएगा। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें पानी डालें, पानी की मात्रा ज़्यादा डालें क्योंकि ये पानी को अब्जॉर्ब करता है। ग्रेवी को हल्का गाढ़ी रखें और इसे हाई फ्लेम पे पकने दें और 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे ढक के पकाएं। देखिए यहाँ पर इसका कलर कितने अच्छे बन के हमारी सब्जी तैयार हुई है। लीजिए गर्मा गर्म हरे हरे मटर की सब्जी तैयार है। इसे पूरी पराठा के साथ एंजॉय करें, चावल के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अंत में जिन्हें हमारी रेसिपी पसंद आती है, जो हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, उन्हें दिल से थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।